हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, लेट्स वेट फॉर 2-3 मोर मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट द लेक्चर। बाकी और थोड़े से, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी कम है इस वक्त क्लास में, 10-12 ही हैं स्टूडेंट्स अभी। हाँ, 2-3 मिनट में स्टार्ट चैप्टर नंबर 13। ओके, सो अब मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। देन गाइज प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट। चैट में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, अपना नाम अपना आईडी लिख दीजिए प्लीज। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम अगेन। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट एंड वी विल लेट स्टार्ट द टॉपिक। तो दिस टॉपिक अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? नो सर। ओके, जस्ट मिनट, अब आ रही है? अब आ रही है, नजर आ रही है स्क्रीन आपको मेरी? यस सर। नजर आ रही है आपको? वो दो दो स्क्रीन आ रही है नजर। स्लाइड सिंगल नजर आ रही है? दो आ रही है सर। यस सर। ओके, नंबर हमने कल की क्लास में चैप्टर नंबर 12 को खत्म किया था एंड फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 बेसिकली है किस बारे में? इट्स अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द पार्टिकल। इफ यू रिमेंबर, हमने बात डिस्कस की थी कि काइनेमेटिक्स जो है वो डायनेमिक्स का वो पार्ट है, वो सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास हम फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करते, फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं करते। वी यूजुअली वी हम इसमें हमारा इंटरेस्ट सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के अंदर होता है, और जो जिस चीज़ से वो बॉडी मूव कर रही है या जो बॉडी जो मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हम उस एजेंट्स को जिसको हम फोर्स कहते हैं, हम उसको स्टडी नहीं कर रहे होते। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हम पार्टिकल को ही स्टडी करेंगे, उसकी जो जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है जो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस की थी वो तो अप्लाई होंगी, बट उसके साथ साथ हम कुछ और चीजें भी अप्लाई करेंगे। एक और इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं फोर्स इक्वेशन या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो इसमें कुछ बेसिक बातें तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि फोर्स क्या होती है आप लोगों को मतलब ऑलरेडी पता है फोर्स क्या है एक्चुअली। फोर्स क्या है? फोर्स इज बेसिकली लाइक द एजेंट और फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सेलरेट अ बॉडी। एक बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, मतलब उसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो दैट्स व्हाई उसके वो एक्सेलरेशन क्या पुट करती है, उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होती है। इफ यू रिमेम्बर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के जो बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो इट विल कीप इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, and if it is moving with certain velocity it will keep moving in a certain velocity until unless an unbalanced force acts upon it. similarly second law jo ye baat aapko pata hai na already, that's first law, newton's first law. second law kya kehta tha, kehta tha ki f force jo hai wo acceleration ke directly proportional hai, f equals to ma. to main uske f equals to ma ki theory mein nahi jana chah raha, but if you remember acceleration jo hai wo hamesha velocity ke change ke hisab se ke liye aati hai. agar koi body कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन. अच्छा, मास क्या है इसमें? नाउ
अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, सो अगर मैं एफ अपॉन ए का रेशियो लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मास, राइट, एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम एम कहते हैं. मास जो है वो मेजर ऑफ इनर्शिया होता है, मतलब हायर द मास एंड ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी. तो इनर्शिया का आपको कॉन्सेप्ट पता है कि क्या होता है इनर्शिया, गाइस? हेलो जी सर. फोर्स ड्यू टू मोशन. देखो फोर्स जो है ना वो क्या है, बेसिकली फोर्स जो है वो अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो उसको वो उस वक्त तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही, राइट? फोर्स ड्यू टू मोशन है ना. नहीं जरूरी नहीं है फोर्स, अगर मिसाल के तौर पर एक बॉडी मूव कर रही है और मैं उसमें कोई उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है ना, ये बात तो पता है ना आपको? नहीं शायद. F equals to ma, फोर्स कैसे निकालते हो आप? F equals to ma निकालते हो ना, अगर उसमें किसी बॉडी का मास तो जीरो नहीं हो सकता, राइट? ये बात तो पता है, बट किसी बॉडी की इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी एक्सेलरेशन जीरो. बिल्कुल, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो होगी ना. और अगर बॉडी मूव कर रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को तो क्या जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है. एंड इन उस केस में भी क्या है, फोर्स जीरो गई. तो फोर्स जीरो कब होती है, आपके पास एक्सेलरेशन जीरो होता है. अब बासन मारी है. बट फोर्स इज जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, बेसिकली वो फोर्स को क्वांटिफाई करता है. फर्स्ट लॉ उसका क्वालिटेटिव बताता है, वजह कि फोर्स क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, फोर्स एक्चुअली है क्या, डिफाइन कैसे करते हैं. अगर बॉडी जो है मूव कर रही है रेस्ट से तो वो कौन मूव करवा रहा है, उसको फोर्स मूव करवा रही है. या अगर बॉडी मूव कर रही है वेलोसिटी, सर्टेन वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में चेंज आना आ रहा है तो वो जो चेंज कौन ला रहा है, फोर्स ला रही है. सेकंड लॉ जो है वो ये कहता है कि फोर्स एक्चुअली किसके बराबर है. And that is equals to F equals to ma, mass times acceleration, right? Mass fixed acceleration change हो सकती है किसी भी body की. Okay. यहाँ तक clear है कोई सवाल यहाँ पे? No sir. No sir. पुरानी बात है, right? So अगर आप गौर करो यहाँ पे figure बनी हुई है, एक particle जिसमें force F1 and F2 है, एक particle पर दो different forces add कर सकती हैं, right? किसी particle पर दो different forces add कर सकती हैं. Yes sir. Remember, हम जब बात करते हैं स्टैटिक्स की तो हम क्या लिखते हैं, हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हैं कि समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो. जब भी बॉडी जो इक्विलिब्रियम में या फिर तमाम मोमेंट्स का सम जो है वो बराबर है जीरो के, ये बात आप लोगों को पता है. बट सिंस वी आर डीलिंग विद डायनामिक्स तो आपके पास समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट शुड बी इक्वल्स टू ma, राइट? For example, a body has F act कर रही है, right? That F equals to ma, mass time acceleration of the body. But अगर किसी body के ऊपर multiple forces act कर रही हैं और वो multiple forces कोई उसे रोक रहा है, कोई उसको push कर रहा है, तो you sum all the forces जो उस पर externally लग रही हैं, and the summation of all the forces is basically goes to mass time acceleration. ये बात clear है? आप तमाम फोर्सेस को सम करते हैं एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, और वो सम जो है वो वेक्टर सम होता है. वेक्टर सम से मुराद क्या है, जो डायरेक्शन है उसका भी ख्याल रखा जाएगा. मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, आप इफ यू कैन सी यहाँ पे F1 एंड F2 को अगर आपने सम किया तो यू गेट FR. FR जो है वो इस पार्टिकल के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब F1 F2 का सम है. एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू ma, जो इस पार्टिकल के ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है. सो इफ अगर आप किसी बॉडी का एनालाइज करते हैं तो आप इसका क्या करते हैं, आप पहले उस बॉडी पर तमाम फोर्सेस का सम निकाल लेते हैं. अब वो फोर्सेस का सम जो है वो एक्स में निकालते हैं, वाई में निकालते हैं, जेड में निकालते हैं और फिर उसको बराबर ले लेते हैं मास टाइम एक्सेलरेशन के इन द रिस्पेक्टिव एक्सेस. करेक्ट? नहीं आया सर में? यस सर. नहीं देखो सिंपल सी बात, एफ इक्वल्स टू एम ए, ये तो बात पता है ना?
जी जी सर देखो ये बात जो आपने अभी तक बचपन में पढ़ी है ना एलिमेंट्री क्लासेस में उसमें एफ जो सिंगल एफ थी एक फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिस पर एफ अप्लाई हो रही है राइट बट यूजुअली व्हाट हैपेंस किसी बॉडी के ऊपर मल्टीपल एफ अप्लाई हो रही होती है राइट कोई उसको मूव करवा रहा है कोई उसको उसकी मोशन को रोक रहा है अब आपने वो तमाम फोर्सेस को सम करना है राइट जो उसका नेट फोर्स आएगी ना जो भी नेट फोर्स होगी कुछ फोर्सेस कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को वो बराबर होगा एम ए के मतलब जो उस बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है या कंबाइन इफेक्ट अप्लाई हो रहा है बात समझ आई है जी सर All good? ठीक है सर एक ही पार्टिकल दो डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है कहां मूव कर रहा है भाई पार्टिकल दो डायरेक्शन में सर इसके अंदर दो वेक्टर्स लगाए हुए बच्चे यार देखो जरूरी नहीं होता इस डायरेक्शन में मूव कर रहा इन दोनों का जो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है ना बेसिकली वो डायरेक्शन मूव कर रहा होगा नहीं सर बात समझ नहीं आई क्या नहीं 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 क्या बात क्या क्या बात की आपने ये वाली कह रहा हूं कि देखो पार्टिकल के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस ऐड कर सकती हैं आप ठीक है पार्टिकल हर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा पार्टिकल के रिजल्टेंट जो है ना उस डायरेक्शन में मूव करेगा आप रिजल्टेंट कैसे निकलेगा कि आप तमाम फोर्सेस जो भी जो किसी भी डायरेक्शन में उनको आप वेक्टर सम करोगे ना यार ये पार्टिकल यार वेक्टर की बेसिक लेकिन प्रैक्टिकली तो पार्टिकल एक ही पोजीशन में मूव करेगा ना तो उसके अंदर वेक्टर सम की क्या जरूरत है वो तो एक ही वेक्टर होगा हमें वेक्टर सम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी देखो मिसाल के तौर पर आपके पास एक बॉडी है उसके बाद उसके ऊपर F1 अप्लाई हो रही है एक सर्टेन डायरेक्शन में मिसाल के तौर पर एक एक बॉडी सर जैसे आप वो बोट वाली एग्जांपल लेते थे जो कि बोट को जो है ना दो रोप्स पुल कर रही है एक 16 न्यूटन से पुल कर रही है 14 न्यूटन से पुल कर रही है तो फिर उसका रिजल्टेंट वेक्टर लेंगे ये अगर आप बात कर रहे हैं हां तो फिर वो प्रैक्टिकलिटी में समझ आती है ओके यही एग्जांपल है हां एग्जैक्टली देखो मिसाल के तौर पर मुझे बताओ कि अगर एक लेट से एक बॉडी को एक आदमी पुश कर रहा है और एक आदमी पुश कर मतलब दोनों ऑपोजिट एंड में पुश कर रहे हैं तो क्या बॉडी रुक जाएगी या चलेगी सर डिपेंड करता है कि ज्यादा फोर्स किसकी है एग्जैक्टली मतलब ये है कि आप जब अगर दोनों फोर्सेस को सम करेंगे आप ठीक है जो भी सम की जो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी ना वो उन दोनों का सम होगी ना ऐसे क्या बिल्कुल जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो बॉडी उस तरफ मूव कर रही होगी बात समझे आप देखो बुनियादी डेफिनेशन क्या है वेक्टर समीशन की कि आप तमाम वेक्टर्स को सम करते हैं और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उन तमाम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ओके गॉट इट अब अगर आप इसे बात करो ना कि अगर एक बॉडी जो है वो कोई उसे पुश कर रहा है कोई उसे दोनों पुश कर रहे हैं ऑपोजिट एंड से तो जिसकी ज्यादा पुश होगी वो डायरेक्शन मूव कर जाएगी बॉडी ठीक है क्योंकि आपने कैंसिल आउट किया मगर वन ऑफ द फोर्स वाज ग्रेटर देन द अदर वन राइट सुन रहे यस ओके अब आगे चलते हैं सिमिलरली अगर ये तो बेसिक सी बात है कि एफ इक्वल्स टू एम ए होता है और फोर्स जो है वो तमाम फोर्सेस का सम होगी जो किसी बॉडी के ऊपर लग रही होगी सिमिलरली हम क्या करते हैं हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए सॉरी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि हम एक पॉइंट से मेजर करते हैं When applying the equation of motion, it is important to that the acceleration of the particle be measured from the respect to the reference frame. ये बात हम पता है कि हम x, y, z coordinates में उसको point को locate करते हैं and particle की location जो है वो measure करते हैं from a fixed coordinate system. ये हम chapter number 12 में भी पढ़ चुके हैं कि point को locate करते हैं x, y, z के हिसाब से या r theta z के हिसाब से या किसी और reference के हिसाब से, right? So initial frame of reference is really important while calculating forces. So ये तो basic सी बात, right? आगे चलते हैं इसमें किसी को इशू कोई मसला इस स्लाइड में नो सर नो सही है अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं एक एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ओके अटेंडेंस लगा दो भाई ओके आई थिंक यू आप एक लेट से आपके पास एक बॉडी है जिसके अंदर एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं स्मॉल पार्टिकल्स राइट यू कैन सी इट राइट एक बॉडी है एक सिस्टम है सिस्टम मतलब एनीथिंग व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन राइट
जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं दैट पार्टिकल्स उनके आपस में कुछ फोर्सेस ऐड कर रही हैं एंड दैट फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस. तो स्मॉल एफ आई जो है वो इंटरनल फोर्सेज है, कैपिटल एफ आई जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेज है, मतलब उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली कुछ फोर्स ऐड कर दिया. एक्सटर्नल फोर्स है मात क्या आपकी, एनी एक्सटर्नल फोर्स जो उस बॉडी पर ऐसा अंदाज हो रही है, इट कुड बी ग्रेविटी, इट कुड बी मैग्नेटिक फोर्स, इट कुड बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज. तो हम उस पर डिटेल में नहीं जा रहे, बट द प्रॉब्लम जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट एक सिस्टम के ऊपर जो बाहर से फोर्सेज ऐड कर रही हैं वो कोई भी हो सकती है. आप उसको पुश कर रहे हैं, आप उसे पुल कर रहे हैं, ग्रेविटी उसे खींच रही है, तो वो तमाम एक्सटर्नल फोर्सेज हो गई. इंटरनल फोर्सेज वो फोर्सेज हो गई जो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान की आपस की फोर्सेज हैं. इट कुड बी रिपल्सिव, इट कुड बी अट्रैक्टिव, राइट. तो आप यहाँ पे स्मॉल एफ जो है वो इंटरनल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल एफ एक्सटर्नल फोर्सेज रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो समीशन ऑफ फोर्सेज एक्सटर्नली कैपिटल एफ एंड इंटरनली इक्वल्स टू एम ए आई, एम आई ए आई. अब ये एम क्या है बेसिकली, एम इज मास ऑफ द मास ऑफ अ पार्टिकल, जो पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल मास एम आई है. अगर मैं तमाम फोर्सेज को सम कर लूँ जो सिस्टम के ऊपर लग रही है और तमाम फोर्सेस को सम कर लूं जो सिस्टम के अंदर इंटरनली लग रही है, समीशन ऑफ एफ आई किसके बराबर होगा, समीशन ऑफ एम आई मतलब तमाम पार्टिकल का मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, राइट. सो दिस इज द मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. अब द समीशन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, ओके, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपके पास समीशन, सर 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 प्लीज ये प्लीज आगे बढ़ने से पहले पहले फिर से शुरू से करा देंगे क्योंकि स्टार्टिंग से समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कितने पार्टिकल्स के क्या-क्या मूवमेंट हो रही है, क्या चल रहा है. ओके, देखो एक समझो कि आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, राइट. बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं, मतलब पार्टिकल्स की आपस में फोर्सेस. अब वो जो सिस्टम है ना उसकी बाउंड्री डिफाइन हुई है, यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन. इस डॉटेड लाइन के बाहर जो फोर्सेज ऐड कर रही है सिस्टम के ऊपर वो कैपिटल एफ है और जो इंटरनली है वो स्मॉल एफ है. अब बात समझ आई है? यस सर. अब टोटल फोर्सेस क्या होंगी कि मैं इनको सम कर लूं, समीशन ऑफ एफ आई मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस, लेट्स से 10 12 15 जो भी हैं, और समीशन ऑफ स्मॉल एफ आई जो इंटरनली एक्ट कर रही है, बराबर किसके होगा, समीशन ऑफ द मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल. इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है टोटल दैट विल बी इक्वल टाइम्स द मास ऑफ द होल सिस्टम, करेक्ट. समझ आ रहा है? अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ऑल्दो दिस इज लाइक दिस इज अ वेरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. अब जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो आपस में दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, मतलब कोई पुश कर रहा है कोई पुल कर रहा है, तो आप सबका समीशन कर रहे हैं तो इंटरनल फोर्सेस जो है वो बेसिकली एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. तो बेसिकली मास जो फोर्सेस का समीशन है एक्सटर्नली वो सिर्फ बेसिकली जो आपके पास मास एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही आ रही है, जो कि हम आमतौर पर करते हैं. तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरनल फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम, मतलब बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या लेट्स से एटम्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस ऐड कर रही हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद इट. गॉट इट? सुनवाई बात? यस. देखो आसान अल्फाज में क्या है कि एक बॉडी है, एक सिस्टम है जिसके अंदर लेट्स से 100 पार्टिकल्स हैं और वो 100 पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं. उन 100 पार्टिकल की जो आपस में इंटरनल फोर्सेस है ना, हमें उससे गर्ज नहीं है. वो कैसे हैं, उनके आपस में अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, वो आपस में दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी जब यहाँ जीरो आ रहा है. बट जो उस बॉडी के बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस पे एक्ट कर रही है वो ग्रेविटी हो सकती है, वो उसे आपको पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, फ्रिक्शन है, तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस है. एंड दोस एक्सटर्नल फोर्सेस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस फैक्टर व्हिच इज एम डॉट एम एम इनटू एक्सेलरेशन. करेक्ट? आई बात समझ में? Okay, sir. Okay, one more thing. I would recommend you guys, so please read out 13.3, section 13.3 from the book. Ek do paragraphs hai, and this actually explains a very important concept. Please isko padh lo. Although aap interested nahi hai theory padhne mein, but because that's like the mathematics are more important than theory. But I would highly recommend you guys to just go through chapter section 13.3. Please isko ek dafa padh lena. Theek hai? आगे चलते हैं. सॉरी. ओके, नाउ अगेन सेम थिंग जो पहले पढ़ चुके हैं कि एक फोर्स जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर इफ इट इज मूविंग इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो इट हैज थ्री कंपोनेंट व्हिच इज fx fy एंड fz. fx के बराबर होता है मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ x, लाइक a, क्योंकि एक्सेलरेशन इटसेल्फ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. क्या मास वेक्टर क्वांटिटी है? Yes, sir. मास भी है? No, sir.
मास नहीं है, एक्सेलरेशन है सिर्फ. एग्जैक्टली. तो अगर मैं ये कहता हूँ आपसे मास टाइम एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, तो क्या बनेगा? फोर्स का एक्स कंपोनेंट बन जाएगा. यस सर. एग्जैक्टली. यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो फोर्स ऑफ अ पार्टिकल इज बेसिकली इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स आई प्लस समीशन ऑफ एफ वाई एफ समीशन ऑफ एफ वाई जे एंड एफ जेड के. तो समीशन ऑफ एफ एक्स क्या है, समीशन ऑफ एफ एक्स क्या है, एम टाइम्स ए एक्स. ए एक्स क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस. इस बात में कोई मसला? नो सर. ऑल गुड. यस सर. ओके थैंक यू. यस सर. वेलोसिटी मतलब क्या, बॉडी तीन एक्सिस में मूव कर रही है तो हर कंपोनेंट का अलग-अलग निकाल लेंगे. एक्जेक्टली. तो देखो अगर हम उसको बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म, तो एक्सेलरेशन के तीनों कंपोनेंट्स होंगे ना, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा. तो अगर मैं रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई कर दूं, उसके मास है, मास तो एम एक्स नहीं होगा ना, मास तो मास ही रहेगा. इस बात पर तो एग्री करते हो ना? यस सर. यस सर. ये थोड़ी क्या मास जो है अलोंग एक्स कुछ और है, अलोंग वाई कुछ और है, जेड अलोंग कुछ और है, राइट? मास इज अ कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, राइट? मास बदलता नहीं है. इस बारे में कोई 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 है मुगालता मसला है, कोई कंफ्यूजन है? मास नहीं बदलता. नो सर. ओके मैन. यूनिवर्स में मास आपका कांस्टेंट रहेगा अनटिल अनलेस यू गेट यू लाइक लीव द न्यूटोनियन फिजिक्स, राइट? पर आप न्यूटोनियन जो अभी जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये न्यूटोनियन फिजिक्स है, राइट? ये जो आप कुछ पढ़ रहे हैं सब क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है. क्लासिकल मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जिसमें न्यूटन साहब जो है उनका बड़ा अमल दखल है. तो जैसे ही आप इस डोमेन से बाहर निकलते हैं, आप जाते हैं लाइक क्वांटम मैकेनिक्स के डोमेन में, देन यू कैन एक्सपीरियंस द चेंज ऑफ मासेस एज वेल. आप अपने अपना आपका अपना मास बदल जाएगा. बट वी आर नॉट गेटिंग. यस सर. दैट्स अ सब्जेक्ट ऑफ एनी अदर टाइम. सो लेट्स स्टिक टू द न्यूटोनियन पार्ट, जस्ट जो इंजीनियरिंग के लिए काफी है. लाइक यू डू नॉट नीड टू गेट इनटू दैट लाइक स्पूकी वर्ल्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द न्यूटोनियन पार्ट, जो कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए काफी है. So I guess this is quite clear now. हम आगे चलते हैं. एक example देखते हैं from the book and sorry yeah. So this is a pretty simple example. It can give you an idea के how to make a free body diagram which is subjected to some forces. Okay, the example states that the 50 kg crate rests on a horizontal surface for which the coefficient of kinetic friction is mu k 0.3. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, किसी को आप पता है? एनीबॉडी? म्यू क्या लिख क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज म्यू सर? ये मतलब ये हर मटेरियल से डिफरेंट होती है. नॉर्मल फोर्स. सॉरी क्या होता है? हर मटेरियल की डिफरेंट होती है. और क्या कहते हैं ये होता है फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, मतलब ये कितनी फोर्स लग रही है और उसको क्या कहते हैं बैलेंस करने के लिए और कौन सी नॉर्मल फोर्स लग रही है. If the crate is subjected to 400 newton towing force, tow करना है, tow कर रहे हैं आप किसको, crate को? Sorry. Determine the velocity of the crate in 3 seconds starting from the rest. So now let's see the free body diagram. एक crate है, उसमें पहले बताओ कौन-कौन सी forces add कर रही हैं? पहली force जो है वो 400 newton की जो tow कर रही है. Yes sir. 400 newton की force जो है वो किस angle पर tow कर रही है? इसे horizontal से 30 angle. जब आपने
आपका रिएक्शन फोर्स उसकी जमीन आप पर रिएक्शन लगाएगी ना. यस सर. यस सर. ऐसे होगा ना, रिएक्शन फोर्स लगाएगी. और ये एफ क्या है? एफ इक्वल्स टू 0.3 एम सी. ये क्या है? ये क्या है भाई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एग्जैक्टली. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू टाइम्स द नॉर्मल फोर्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स एम सी है. वी लगा दिए और पॉइंट थ्री जो है वो आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर है. क्लियर है बात? यस सर. अच्छा इससे क्या साबित हमें मिला गया? हमें ये मिला कि हमारे पास जितनी फोर्सेस ऐड करनी है प्लेट के ऊपर हमने वो आइडेंटिफाई करनी. वी हैव वेट, वी हैव अ टोइंग फोर्स, वी हैव अ फ्रिक्शन फोर्स, वी हैव अ नॉर्मल फोर्स, राइट? नाउ हमें निकालना है क्या है? वी हमें निकालना है वेलोसिटी. जब क्रेट जो है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से एंड मूविंग टिल 3 seconds, राइट? सो लेट्स सी हाउ इट गोस. नाउ यू कैन सी इट, राइट? देख सकते हो आप यहाँ पे. अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे वही बात लिखी जो हमने भी डिस्कस कर चुके हैं. अगर मैं x के अंदर सम करता हूँ फोर्सेस को x के अंदर, राइट? तो बताओ कैसे सम होगा? समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स. मैंने भी बात की थी कि तमाम फोर्सेस को आप सम करेंगे और किसके बराबर ले लेंगे? जीरो के. सॉरी, मास टाइम एक्सेलरेशन के. ऐसे ही है? यस सर. यस सर. एम ए के बराबर. एम ए जो है वो हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिखना है पहले, फिर हमने लिखना है अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड लिख रहे हैं. मगर हम जेड नहीं लिख रहे क्योंकि जो बॉडी है वो सिर्फ 2D है, राइट? तो yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ कि समीशन ऑफ एफ एक्स का मतलब ये है कि पहले लेफ्ट साइड पे वो तमाम फोर्सेस जो बॉडी पर एक्स एक्सिस में अप्लाई हो रही है वो कौन कौन सी होंगी बोलो? 0.3 एन सी और 400 का कॉस कंपोनेंट. एग्जैक्टली. तो 0.3 एन सी जो है वो एक्स एक्सिस के लेफ्ट की तरफ मूव डायरेक्शन में, व्हिच मींस दैट इट्स नेगेटिव. आपको नहीं पता एक्सेलरेशन? नहीं पता. यस सर. 9.8 में तो उसका वो वाला एक्सेलरेशन है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यस. अब मुझे बताओ कि इसमें ए भी अननोन है एन सी भी अननोन है, तो वी नीड अनदर इक्वेशन. सो लेट्स राइट द इक्वेशन इन वाई एक्सिस, राइट? व्हिच इज एन सी क्या है? ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव. यस सर. वेट ऑफ द क्रेट इज 490. डाउनवर्ड आया एम जी व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट्स व्हाई इट्स नेगेटिव. And you have another force that is the towing force, which is 400 times sine theta. All right. अच्छा ये बराबर जीरो. Yes. जीरो के बराबर क्यों है? जीरो के बराबर क्यों है? इसलिए जीरो बराबर है कि जो acceleration है ना, mass तो जीरो के बराबर नहीं होगा ना. Acceleration of y वो जीरो के बराबर है इसलिए कि body जो है वो along x move कर रही है. अब imagine करो इस figure में अगर आपके पास ये जो crate है, अगर आप इसको रोप से बंकर के खींचते हो तो बॉडी क्या हवा में उठेगी? नहीं उठेगी. वी नेवर नो, राइट? बट इट्स इट इज स्लाइडिंग ऑन द ग्राउंड, व्हिच मींस द एक्सेलरेशन हैज ओनली वन कंपोनेंट, व्हिच इज ए एक्स. तो हमने एस कंपोनेंट ए ही लिख दिया. करेक्ट? यस यस सर. बात समझ आ रही है? ओके. यस सर. नाउ फॉर मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव टू इक्वेशंस व्हिच हैज एन सी एंड ए अननोन. If you solve them simultaneously, you can get N, C, and A, which is coming out to be 290.5 and 5.18 meter per second square. All good? यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है. Now, what is required? We need to find the crate velocity at certain time, right? आपका acceleration आ चुका है. Sorry. तो आप velocity कैसे निकालोगे? ये बताओ. इसको derivative ले लेंगे. Integrate कर लेंगे. इक्वेशन ऑफ मोशन वो कौन सी इक्वेशन है? vf equals to vi plus at, s equals to vit plus half at square and 2as equals to vf square minus vi square, right? Remember? Yes, sir. आ गई है, मुझे vf निकालना है और टाइम पता है तो कैसे निकालूंगा बताओ? vf is equals to vi plus at. Exactly. vf, yes, sir. We do have 5.1. Do we have time? Yes, we have time. निकाल पता आपको किस टाइम पर निकालना है? क्या यहाँ पर vi मौजूद है?
सर वो रेस्ट से स्टार्ट हुई होगी ना. एक्जेक्टली, तो वी आई जीरो है, तो सिंपली क्या होगा, वी एफ इक्वल्स टू जीरो प्लस एटी एक्सेलरेशन टाइम्स एटी. समझ में? हर दफा यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं लगती भाई, वो कब लगती है? आपके पास फंक्शन होता है. आई विल शो यू द नेक्स्ट फंक्शन होता है. अब अगला सवाल तक वहां पे आएगी बात. ये बात क्लियर हुई? कर लोगे ये चीज़? बात यस सर. यस सर. यस सर. ओके, मूविंग फर्दर. नाउ लेट्स सी दिस प्रॉब्लम. देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच सेज दैट अ 10 केजी प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड. एक कैनन, कैनन जो है एक तोप से अब एक कैन एक फायर किया दैट प्रोजेक्टाइल, और विद एन इनिशियल वेलोसिटी, उसका मास कितना है 10 केजी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड है. डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट to which it will travel if, पहला पार्ट क्या है, atmospheric resistance is neglected. मतलब क्या है कि along the motion of the projectile, जो air resistance है वो नहीं है, और दूसरा पार्ट क्या है कि air resistance FD is a function of velocity का square. Clear बात? कि as the velocity increases, the drag on the projectile will increase, where V is the speed of the projectile at any instant and measured in meter second. Okay. तो पहला पार्ट इतने बड़ा आसान से, पहला पार्ट क्या कह रहा है कि आपके पास एक्सेलरेशन, सॉरी पहला पार्ट के मुताबिक आपने क्या निकालना है कि कितनी हाइट वो ट्रेवल करेगा जब एक्सेलरेशन, सॉरी एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस नहीं है. पहला पार्ट समझ में आ रहा है? देखो आपने फायर किया, मास 10 केजी है और आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, राइट? क्लियर है बात? यस सर. देखो इसके तरीका बहुत सिंपल है. एक तरीका वो है जो हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हैं, मगर लेट्स लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द फोर्स पर्सपेक्टिव. अगर हमने बताओ कि अगर जो इसका वेट है वो कितना होगा, 10 × 9.81 यस सर, ऐसे ही ना? यस सर. अच्छा अगर मैं जेड डायरेक्शन अपवर्ड है, इसमें समीशन ऑफ एफ जेड करता हूँ, तो किसके बराबर होगा, एम ए जेड के बराबर होगा? यस. समीशन ऑफ, देखो बॉल के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, उसका वेट एक्ट कर, वेट एंड दैट वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो -98.1 हो गया. यस सर. इक्वल्स टू एम ए होता है? यस सर. 10? यस सर. हमें नहीं पता, बट अगर दिखा है तो आपने यहां से ए निकाल लिया व्हिच इज -9.81. तो अगर दिखाया तो दैट्स अ प्रीटी सिंपल न्यूमेरिकल, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड इन चैप्टर नंबर 12. बट यहाँ मकसद ये था कि आपको ये आइडिया हो जाए कि हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम फ्रॉम फोर्स पर्सपेक्टिव. बात समझ आ रही है? देखो -9.81 क्यों है, बॉडी का जो वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एंड दैट इज द समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग जेड एक्सिस इक्वल्स टू मास टाइम ए जेड. मास या टाइम है, ए जो है अननोन है. अब ए निकाल लिया आपने -9.81. नाउ यू कैन यूज एनी इक्वेशन. आपको एच निकालना है तो आपने क्या निकाल अप्लाई कर दिया, सिंपली v स्क्वायर इक्वल्स, ये vf स्क्वायर इक्वल्स टू vi स्क्वायर प्लस 2ac z माइनस z. यस सर. ठीक है, अब यहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो क्यों है, बिकॉज़ यहां के रुक गया है, इनिशियल 50 थी, 2a जो है -9.81 था और z जो है h माइनस z, तो यू गॉट h इक्वल्स टू 127. कि उसकी जो हाइट है उसको उसने कितना, वो कितना ट्रैवल किया उसने, 127 ट्रैवल किया मैक्सिमम, एंड देन इट स्टॉप्ड एंड देन इट केम बैक. गॉट इट? All good? Yes, sir. आगे चलते हैं. Yes. इसका अगला पार्ट जो है वो बी पार्ट है. बी पार्ट में वो क्या कह रहा है कि जो फोर्स है ना, जो आपके पास जो एयर ड्रैग है, वो जो है वो किस तरह बिहेव कर रही है, 0.1 टाइम्स वी स्क्वायर. लेट्स सी दिस पार्ट. देखो बॉडी बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो फोर्स है जो उसको रोक रही है एटमोस्फेरिक, वो किधर एक्ट कर रही होगी, नीचे कर रही होगी ऊपर कर रही होगी? नीचे करेगी ना यार, मतलब ऑपोजिट मोशन अगर ऊपर की तरफ है तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसे नीचे की तरफ धकेल रही होगी, राइट? यस सर. गॉट इट. अब बताओ कि एफ जेड जो है, उसमें सम करता हूँ, तो -98.1 तो वही फोर्स है जो वेट की तरफ, वेट है उसका, और -0.1 वी स्क्वायर, ये कहाँ से आया? दैट्स द ड्रैग फोर्स व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड. यस इक्वल्स टू 10 है. एग्जैक्टली अगेन 10 आ गया. Guys, yes sir. Of all the forces in yes, this, 10. And now in this part we have the air resistance as well. समझो भाई. अच्छा अब velocity भी unknown है और acceleration भी unknown है. तो हमने acceleration का relation निकाल लिया from this equation, equation which is coming out to be this term, acceleration as a function of v.
आपको निकालना क्या था, आपको निकालना तो डिस्टेंस था ना कि कितनी हाइट वो अचीव करता है. तो फ्रॉम डिस्टेंस ADS, remember this equation, ADS equals to VDV, but here we do not have DS, we have DZ. All good? Yes, sir. ADZ equals to VDV. एक acceleration की value in terms of V आपके पास मौजूद है, and then you have DV, DZ equals to VDV. अगर आप इसको solve करो, इसको इसके variable को separate करो, DZ एक तरफ आ गया और ये तब नीचे आके यहाँ पे solve हो जाएगी. अब limit देखो, DZ की limit क्या होगी, 0 to H. और v के लिए लिमिट क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 50 है और फाइनल कितनी है 0. आर यू गेटिंग मी? यस सर. अब देखो इस इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करोगे बाय अप्लाइंग लिमिट फ्रॉम 0 टू h एंड 50 टू 0, यू गेट एन आंसर व्हिच इज h इक्वल्स टू 114 बिकॉज एवरीथिंग इज नोन. अब ये इंटीग्रल सॉल्व कैसे होगा, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन के रिलेशन गिवन होंगे. अब आप गौर करो कि यहाँ पे आपके पास h की वैल्यू कितनी आ रही है, 114 आ रही है, और पिछले पार्ट में कितनी आ रही थी, 127. इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्टाइल जो है व्हेन देयर इज एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग उसकी हाइट कम है कंपेयर टू द केस व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. यस सर, मतलब कि उसने रेजिस्ट किया उस उतनी हाइट गेन नहीं की. एग्जैक्टली जब बॉल आपने मतलब बॉल ऊपर गई है या जो कैनन बॉल ऊपर गई है उसके एयर ड्रैग जो कि माइन जो कि 0.1 वी स्क्वायर था उसके वजह से एयर ने उसको रिजिस्ट किया और उसकी हाइट जो है वो उसने कम अचीव की है कंपेयर टू द केस व्हेन देयर इज रेजिस्टेंस व्हिच इज 127. गॉट इट? ओके सर. वो ये डिफरेंस है. एनीवे वी विल सॉल्व मोर न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. सो आई होप कि यहां तक आपको कुछ चीजें क्लियर हो. वी आर लेफ्ट विद ओनली 1-2 मिनट्स, लेस देन 2 मिनट्स. सो आई विल स्टॉप द लेक्चर हियर एंड आई विल अपलोडिंग दिस वीडियो लेक्चर ऑन द LMS जस्ट लाइक द लास्ट टाइम. सो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस ऑन द चैट. थैंक यू सर. इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कल की क्लास में हम इसके और न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. देखो याद रखो कि इस चैप्टर में खास बात सिर्फ ये कि जो बाकी रिलेशंस हमने चैप्टर में टोटल पढ़े थे काइनेमैटिक्स के वो तो अप्लाई होंगे ही, बट इन एडिशन टू दोज रिलेशंस वी विल बी अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ द फोर्स. राइट, फोर्स की इक्वेशन वही है, एफ इक्वल्स टू एम ए, दैट्स इट, इज नो अदर इक्वेशन. ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम ए के अलावा कोई इक्वेशन नहीं है. राइट, सिर्फ फर्क ये कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं देन वी नीड टू ट्रीट इट एज एज इन दिस केस. ऑलराइट, सो वी विल यस सर टीच देम अगेन इन डिटेल. यस सर. सो राइट नाउ थैंक यू वेरी मच. मैं क्लास खत्म कर रहा हूं एंड ऑलरेडी मैंने लेक्चर को रिकॉर्ड कर लिया है. सो ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़. ओके सर, अल्लाह हाफिज़.